हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड बाय मिदुला। आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। नॉर्मली जो मटर पुलाव होता है उस टाइप की नहीं है ये मटर पुलाव। ये थोड़ा सा मसालेदार है। एक ही टाइप मटर पुलाव खाने के बाद अगर आप बोर हो गए हो तो इस टाइप के मटर पुलाव आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के मटर पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। पहले एक कढ़ाई में वाइट ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। अगर घी आप लोग स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। फिर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, इलायची, लौंग, दालचीनी। फिर इसमें बड़ी कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब प्याज और खड़े मसाले को हल्का सा भून लेंगे। प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब मसाले को और थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद साबुत काली मिर्च डालेंगे। फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे। अब इन सारे मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद बड़ी कटा हुआ टमाटर डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला डालेंगे। इस बिरयानी मसाले से ही अलग सी टेस्ट आएगी। अब इन सारे मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद मटर डालेंगे, हरे मटर। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमने राइस डाला है। इस राइस को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब जितनी क्वांटिटी में राइस लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद पानी में जब थोड़ा थोड़ा उबल आने लगे फिर इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चीनी आप लोग ना देना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा नींबू की रस डालेंगे। अब पानी में जब उबल आ जाए फिर इसको ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के लिए ढक के पकाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी राइस में पानी है। इस टाइम ऊपर से धनिया पत्ता डाल के और थोड़ा सा रोज वाटर डाल के कढ़ाई को और थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। दो तीन मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पानी अभी भी है। जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों के लिए मैं बार बार ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ कि पुलाव और बिरयानी बनाने के टाइम किस टाइप की पानी रहना चाहिए राइस में। जो लोग एक्सपर्ट हैं उन लोग तो जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। जब स्पैचुला में थोड़ा सा पानी रह जाएगा मतलब उस अभी भी अच्छे से कुक हुआ नहीं। अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन डाल के फिर और दो तीन मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। फिर कुछ टाइम के बाद ढक्कन हटा के यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खिली खिली पुलाव बन के रेडी हो चुका है। अब इसको किसी भी सब्जी, मटन, चिकन और पनीर के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी की हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बिगिनर के लिए बोल रही हूँ, बिरयानी और पुलाव बनाने के टाइम स्पैचुला की मदद से कढ़ाई की साइड में अगर आप चेक करें स्पैचुला में थोड़ा सा पानी लगता है तो इसका मतलब बिरयानी अभी भी अच्छे से रेडी नहीं हुआ है। कढ़ाई की तले में से थोड़ा सा पानी है। फिर उसको ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाइए मीडियम टू लो फ्लेम में। और एक बात, इसको बार बार लगातार राइस को
पानी में ना चलाए, नहीं तो चावल टूट सकता है। फ्रेंड्स, मेरी बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को आगे से और भी नई नई वीडियो देखने के लिए। जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।